प्रॉब्लम ये है कि वो लड़के हैं, और क्या प्रॉब्लम है बेसिकली ना, हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई। ये इतनी जल्दी पलटी खाते हैं ना, जब तक हम इन्हें हाँ नहीं बोलेंगे तब तक तो ये ऐसे हाथ धो के पीछे पड़े रहेंगे जैसे मर जाएंगे हमारे बिना, लेकिन हम जैसे ही हाँ बोल देंगे वैसे तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। पहले 2 महीने तो देखो बहुत अच्छे निकलेंगे, लेकिन उसके बाद इनके असली कारनामे शुरू हो जाते हैं। इनका जब चाहे मन करे तभी तुम्हें फोन करेंगे, मैं भी आज मेरा मन कर रहा है बात करने का फोन पे, तुम अगर बिजी भी बोलोगे ना कि मैं अभी बिजी हूँ तो मैं भी प्लीज बात कर लो ना कह के कम से कम 10 मिनट तो तुमसे फोन पे बात कर ही लेंगे। लेकिन अगर किसी दिन तुम्हारा मन कर गया फोन पे बात करने का और तुमने इनको फोन मिला गया तो इनका पबजी के लिए भी आ जाग जाता है, मैं भी अभी पबजी खेल रहा हूँ अभी बात नहीं कर सकता। और अगर कहीं उस वक्त गलती से तुमने इन्हें दोबारा बोल दिया कि नहीं भाई मुझे अभी बात करनी है, फिर इनका ज्ञानी बाबा भी जाग जाता है, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं करने के लिए, कुछ प्रोडक्टिव कर लिया करो। तो फिर मेरे को भाई एक बात बता, तू पबजी खेल के कौन सा इंडिया को पाकिस्तान के हमले से बचा रहे हैं? मुझे तो समझ लगता है ये चाहते क्या है, ये जितनी मर्जी लड़कियों से बात करें, ये जितनी मर्जी लड़कियों से फ्लर्ट करें, फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इन्हें समझें कि वो इनकी फ्रेंड है, इनका ऐसा कुछ है नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, ओके हम समझ भी जाते हैं। लेकिन अगर वही चीज हम करें तो फिर ये बौखला जाते हैं। हम अगर किसी लड़के से 2 मिनट एक्स्ट्रा बात भी कर लेना फिर रोतली सी चक्कर लेके आती हूँ, आई एम स्केर्ड वो आपको मेरे से छीन लेगा। भाई क्यों भाई, तू कुछ करे तो ठीक, मैं वही चीज करूँ तो तुम्हारी इनसिक्योरिटी जाग जाएगी। फिर गलती से अगर तुम्हारी कभी लड़ाई हो रही हो ना इनके साथ, 10 फोन कर लो तुम इन्हें, 20 फोन कर लो, ये गुस्सा होने के बाद फोन नहीं उठाएंगे, फिर तुम इन्हें कुछ बोल भी नहीं सकते हो क्योंकि ये तो गुस्सा है ना, इनका तो राइट है गुस्सा होके फोन ना उठाना। लेकिन अगर वही चीज तुम कर लो, तुम गुस्सा हो जाओ और तुम इनका फोन ना उठाओ तो ये गिन के 4 बारी ट्राई करेंगे, 4 बारी के बाद पबजी खेलने बैठ देंगे कि भाई तुम तो गुस्सा थी ना तो मैं पबजी खेलने लग गया, क्योंकि इनको पता है ना हम तो यहाँ पे बेवकूफ बैठे हैं, आधा घंटा गुस्सा रह लेंगे उसके बाद हमने खुद ही फोन कर लेना है। गुस्सा हो, गुस्सा कभी होंगे ना, लड़ाई हो रही होगी, कभी ध्यान देना इनके किसी भी आर्ग्यूमेंट में 1% लॉजिक नहीं होगा। ये गलत भी होंगे ना, इनको पता भी होगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी कुछ ना कुछ भी बकवास करेंगे जस्ट टू ये प्रूफ कि मैं सही हूँ तू गलत ही है। भाई मतलब ये मुझे सही कैसे कर सकती, ये मुझे गलत कैसे प्रूफ कर देती, इनकी ईगो ही हट जाती है। इनको कुछ समझाने लग जाओ तो फिर चलो ठीक है, एक पॉइंट आता है हम सोचते हैं चलो ठीक है तेरे को जो करना है तू अपने हिसाब से कर, मैं तेरे को कुछ नहीं समझा रही। फिर ये आएंगे रोएंगे बेबी तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता है, ओ भाई तू चाहता क्या है, जब तुम्हें समझा रहे थे तब तुम्हें समझना नहीं था, अब हम जब पीछे हो गए तो तुम रोना है कि हम तुम्हें समझाते क्यों नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ रहा। फिर ये लड़ेंगे भी मत किस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे लड़ाई हो रही होगी ना उस टॉपिक पे नहीं लड़ेंगे, ये लड़ेंगे उस बात पे जो 2 महीने पहले हुई थी। जब भाई 2 महीने पहले उस बात पे हम लड़के बात खत्म कर चुके हैं तो दोबारा उस टॉपिक पे लड़ने का क्या मतलब है, जिस बात पे लड़ाई हो रही है उस बात पे लड़ लेना तू, मुझे तो समझ ही लगता है इनका कभी कभी हद होती है। मतलब फिर इन्हें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है हमेशा कि ये हमेशा सही होते हैं, भाई भगवान हो गए जो हमेशा सही हो गए, मतलब पता नहीं अपने आप को कहाँ के राजा महाराजा समझ के बैठे होते हैं कि मैं ही हूँ जो हूँ, बाकी के सारे लड़कों को तो कुछ नहीं आता, सारे के सारे बेवकूफ है। बाकी भगवान से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आए हो का ऑलवेज राइट का या मिस्टर परफेक्ट का लेके आए हो तो दिखा दो हमें भी, हम भी देख लेते हैं। भाई इंसान हो, गलती हो जाती है, मान लिया करो, बोल दिया करो सॉरी, नॉट अ बिग डील। अच्छा कुछ लड़के होते हैं जो मान भी जाते हैं अपनी गलती, रियलाइज करने के बाद ना सॉरी भी बोल देंगे, अपोलोजाइज भी कर लेंगे, लेकिन गलती को सुधारने के लिए कुछ करेंगे? नो। अपने आप को सुधारने के लिए कुछ करेंगे? नो। तो भाई सॉरी बोली क्यों रहा है, क्या करूं तेरे सॉरी का, ऐसा हम क्यों कर रहा है सॉरी बोल के जब तूने मुड़ के फिर से वही हरकतें करनी है। सॉरी का बोल मैं तेरे क्या करूं, अचार डालूं घर पे या पेपर पे लिख के फ्रेम करवा के अपने रूम में दीवार पे लटका लूं कि तूने मुझे 10 मार्च 2020 को सुबह 10:12 पे फोन करके सॉरी बोला था। एक तो ना जो पहले के 2 महीने होते हैं शुरुआत में वो इतने प्रॉमिसेस करेंगे जैसे भाई इनसे ज्यादा तो हमें कोई प्यार कर ही नहीं सकता, ये कभी प्रॉमिसेस तोड़ेंगे ही नहीं। लेकिन फिर जब 2 महीने के बाद इनसे कुछ हो जाता है फिर हमें पॉइंट आउट करते हैं या पूछते हैं, फिर इनका जवाब होता है प्रॉमिसेस आर मेड टू बी ब्रोकन। ओ अपनी बहन के भाई, अगर प्रॉमिस तोड़ना ही है तो प्रॉमिस का सेंस ही क्या बना। ये ना इंस्टाग्राम पे फालतू के कुछ पढ़ पढ़ के इन्होंने अपना दिमाग खराब कर लिया हुआ, फिर हमारा भी करते हैं कभी कभी, इनकी बातें सुन के तो मेरा ऐसा लगता है मैं अपना दीवार में मारूं सिर। फिर इन्हें अगर कभी ब्रेकअप करना होगा ना तो बेबी इट्स नॉट यू इट्स मी, अभी इफ इट्स यू तो मेरी लाइफ में क्यों पकेड़ा खड़ा कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम है जाके सॉल्व करो, अपनी आप भी नबेड़ो, मेरे को मत बीच में घुसाओ। फिर इनका दूसरा डायलॉग आता है, अभी हम इस डायलॉग से उभरे होते हैं, बेबी आई नो आई लव यू सो मच बट यू आई थिंक यू डिजर्व मच बेटर देन मी। तो मतलब क्या हम तुम्हें निकम्मा करार कर दें, गुड फॉर नथिंग समझ लूँ,
अबे इफ यू से यू लव मी एंड यू थिंक आई डिजर्व बेटर देन डूड बी बेटर, गो चेंज योर सेल्फ, भाग क्यों रहे हो? एक तो ये भागना ना, ये जवानी है दीवानी के रणबीर कपूर उफ बनी का सिखाया हुआ है। मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं रुकना नहीं चाहता, मैं गिरना चाहता हूँ, पता नहीं क्या क्या। लोग सुनने के बाद ना इंडिया के हर लड़के ने भागने का ठेका ले रखा है। अब तो हर प्रॉब्लम से, हर सिचुएशन से, हर किसी इंसान से भागने लग जाते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो इन्हें भागना है, कोई कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो भागना है, कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ गई ना तो ये फिर मतलब ना इतनी तेजी से भागते हैं कि मतलब भाग जाऊं मैं यहाँ से, रुकने का तो है ही नहीं, इनको रुकना ही नहीं है कहीं पे। भाई इतना भागोगे ना कहीं इतनी दूर पहुंच जाओ कि जहाँ पे साथ में बैठ के चाय पीने वाला भी कोई नहीं होगा, फिर बैठ के मक्खियां मारना कि इतना दूर मैं भाग आया हूँ, मैं काश इतना ना भागा होता। और अगर इतना ही शौक है ना भागने का तो मैं सच में बता रही हूँ, ओलंपिक्स में जाके इंडिया के लिए भाग लो, देश को तो तुम्हारे भागने से कोई फायदा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे और किसी को तो कोई फायदा नहीं हो रहा। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज दिस वीडियो इज ओनली फॉर फन पर्पज एंड एंटरटेनमेंट। मेरा किसी भी लड़के के इमोशंस को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था, तो प्लीज़ ऑफेंड मत होए, इसको प्लीज़ एक हंसी मजाक के रूप में ही लें, जैसे आप सब ने कार्तिक आर्यन की स्पीच को लिया था, तो आप आई होप कि इसको भी वैसे ही लेंगे। आई जस्ट ट्राइड रिक्रिएटिंग इट, अच्छी लगे तो बता देना, बिकॉज इट टुक मी 3 hours टू शूट दिस वीडियो इन वन फ्लो। ठीक है, इतना 7 minutes की रिकॉर्डिंग, 7 minutes की स्पीच एक फ्लो में रिकॉर्ड करना इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। मैंने 3 hours लिए इस वीडियो को शूट करने के लिए, तो प्लीज़ 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 लाइक कर दो, कमेंट कर दो। बाकी स्टिल आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो मेरी किसी भी बात का, एंड टू ऑल माई फैमिली एंड फ्रेंड्स इट वॉज जस्ट अ जोक, इसको प्लीज़ जोक में ही लें और इसको सीरियस ना लो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल बटन भी दबा देना। एंड आई हैव डिसाइडेड आई विल बी अपलोडिंग न्यू वीडियोस एवरी वेंसडे एंड सैटरडे, सो टुडे सैटरडे, आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप जब भी देखोगे तब जो भी दिन होगा। सो दिस वीडियो वॉज अपलोडेड ऑन सैटरडे, सो माई नेक्स्ट वीडियो विल बी अप ऑन वेंसडे, सो वी विल मीट ऑन वेंसडे। बाय बाय।